हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम झटपट जबरदस्त सी क्रिस्पी चिकन फ्राइज की रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, या फिर आप इसे क्रिस्पी चिकन फिंगर्स भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही जूसी चिकन बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार है, क्रिस्पी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस चिकन को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं झटपट ज़बरदस्त सा जूसी क्रिस्पी चिकन फ्राइज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो के करीब चिकन का ब्रेस्ट, जिसे हमने बहुत ही पतली लेयर्स में कट कर लिया है और इसे हम मीट मैलेट की मदद से थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे जब आप इसमें मसाले वगैरह डालेंगे तो ये अंदर तक चले जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। इसी तरह से सब चिकन को इसी तरह से हम मीट मैलेट की मदद से बीट करेंगे। और यहाँ पर अब हमने इस चिकन को जो है वो लंबी फिंगर्स में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इन सब चिकन को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इसकी मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पर आधा किलो के करीब जो अभी हमने चिकन काटा था वो डाला है। इसी के साथ इसमें डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे विनीगर भी 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं पेपरिका पाउडर 1/2 टेबल स्पून और चिली गार्लिक सॉस, या आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, ये हमने 2 टेबलस्पून डाला है। इसको डालेंगे और साथ ही ये बटर मिल्क है, आपने इसको कैसे बनाना है, दूध डाल के आप उसमें विनीगर डालेंगे, इसको थोड़ी देर रखेंगे तो आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। तो ज़बरदस्त से बटर मिल्क से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है यहाँ पर हम इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लहसुन पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा हमारी ऊपर जो लेयर होती है चिकन की उसको। तो अब चिकन का पीस उठाएंगे और इसको हम इस मैदे में अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे, अच्छे तरीके से हमने मैदे को इस चिकन पे कोट करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरह से आपने इसको करना है। साथ ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ठंडा पानी, जो हसबी ज़रूरत आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब, ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, लेकिन मैदा इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आपको इसकी लेयर्स बनानी होती है। तो एक ही दफ़ा इसको हम पानी में डिप करेंगे और दोबारा से कोट करेंगे, इससे जो मैदा है बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर स्टिक हो जाता है। तो जितनी आप ज़्यादा लेयर लगाएंगे उतना आपका जो चिकन है और क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए इसी तरह सारी चिकन बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी चिकन को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल गरम रखा हुआ है जिसमें हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, स्लो आँच पे इसको आप पकाएंगे क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन फ्राइज बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए हमारे चिकन फ्राइज़ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही जूसी क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक करें, इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।